नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डार्टस्टॉक के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या खूबियाँ हैं इस सॉफ्टवेयर की। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो लोग महंगे सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है और ये बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। दोस्तों आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये हमारी ट्रेडिंग को कितना इजी बना देता है। ओके, तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में, हम लोग सॉफ्टवेयर को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। ओके, यहाँ अगर आप देखोगे लोग फ्रेंड्स तो वर्क स्पेस, आपको काफ़ी सारे वर्क स्पेस मिल जाते हैं। मैं स्मार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देखोगे किसी भी स्टॉक पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल 2, यहाँ पे पीवी पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, सपोर्ट लेवल आपको मिल जाएंगे। जैसे आप किसी भी स्टॉक पर क्लिक कर दीजिए, सिंपली आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लेवल्स एंड सपोर्ट लेवल्स मिल जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करके आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे चार्ट आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिया हुआ है। 1 मिनट के कैंडल्स ओपन हो जाएगा, 5 मिनट पर क्लिक करेंगे तो 5 मिनट का कैंडल्स ओपन हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग कैंडल्स यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा अगर आपको चार्ट चेंज करना है, चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बार्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं और सेम तरीके से यहाँ पे क्लिक करके आप इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ये हो गई चार्ट की बात। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स से आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये तो हो गई चार्ट की बात। इसके अलावा हम लोग फिर से वर्क स्पेस में जाते हैं। वर्क स्पेस में आपको और कौन कौन से वर्क स्पेस मिल जाते हैं देखते हैं। स्टैंडर्ड बिड ट्रेड्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे चार्ट भी ओपन हो जाता है, सेम मुझे रेजिस्टेंस लेवल्स एंड सपोर्ट लेवल्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग जाते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड बिड चार्ट्स पे हम लोगों ने किया क्लिक किया था, स्टैंडर्ड बिड ट्रेड्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, अभी हम लोग स्टैंडर्ड बिड चार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा इंडेक्स के जितने भी मेजर इंडेक्स जो है, ओके, मार्केट के जितने भी मेजर इंडेक्स हैं वो यहाँ हमें अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा कमोडिटी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी टॉप कमोडिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं यहाँ पर। ADR पे क्लिक करोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इजीली आप अगर कहीं पर सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी ADRs हैं वो सारे अवेलेबल यहाँ पर सिंगल क्लिक में मिल रहे हैं आपको। अदर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको और भी जो इम्पोर्ट कमोडिटीज़ हैं वो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें फिर से जाते हैं मार्केट और व्यू पे, स्टैंडर्ड बिड स्कैनर पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको स्कैनर भी मिल जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम लोग देखते हैं स्कैनर को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ्रेंड्स, यहाँ आपको ईजिली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपको न्यू हाई वाले स्टॉक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, न्यू लो वाले स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो जो भी स्टॉक जो है दिन भर में जो नया लो बना रहे हैं या फिर दिन भर में जो नया हाई बना रहे हैं वो स्टॉक्स यहाँ पर स्कैन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे निफ्टी इंफ्रा जो है वो न्यू लो बना रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर स्कैन होके आ रहा है। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर निफ्टी 50 हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, अंडरलाइन FNO स्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो भी स्क्रिप्ट नया लो बना रही है या फिर जो भी नया हाई बना रही है वो यहाँ पर स्कैन हो जाएगी। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ 1 वीक में जिन भी स्टॉक्स ने हाई लो बनाया है वो, 2 वीक्स के अंदर जिन्होंने भी हाई लो बनाया है, मंथली में सभी भी सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ।
ओके फिलहाल कोई स्क्रिप्ट ओके यहाँ अपोलो डायर जो है वो नया लो बना रहा है अभी, तो वो यहाँ पे शोर है। मैं आपको चार्ट पे भी ओपन करके दिखाता हूँ उसको। ओके सिंपली आप डबल क्लिक करोगे और चार्ट पे आप देख पाओगे कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। मैं डेली कैंडल ओपन करता हूँ यहाँ पे, मैं कैंडल्स पे क्लिक करता हूँ। ओके यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है वो नया लो बना रहा है। डेली कैंडल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको इजी वे पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है वो किस तरीके से नया लो बना रहा है। ओके यहाँ अगर आप देखोगे डेली कैंडल पे तो दिखेगा कि स्टॉक जो है वो नया लो बना रहा है अभी। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कुछ और नई चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्कैनर के अंदर कुछ और भी चीज़ें मिल रही है, जैसे अगर मुझे चाहिए कि ओपन गैप अप, कोई स्टॉक अगर ओपन गैप अप हुआ है 1% से ज़्यादा, या फिर अपने हिसाब से आप सिंपली यहाँ पर मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हो 2% से ज़्यादा अगर कोई हुआ है तो यहाँ पर मैनुअली आप टाइप कर सकते हो। ओके फिलहाल मैं इसे 1% कर देता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। क्रॉसिंग अबाव प्रीवियस डे हाई, अगर मैं यहाँ टिक लगाता हूँ जो भी स्टॉक प्रीवियस डे हाई को क्रॉस कर रहा होगा वो यहाँ पर स्कैनर के अंदर हमें शो करेगा। बियरिज बियरिज पे भी क्लिक, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, बियरिज पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो क्रॉसिंग अबाव ओपन एंड एवरेज प्राइस। यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी देख सकते हो। सिंपली अप्लाई कीजिए, यहाँ आपको सारे स्टॉक्स जो भी आपने टिक लगाया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो करेंगे। हैवल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है क्रॉसिंग अबाव ओपन एंड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो यहाँ आप इजीली यहाँ से अपने स्टॉक को स्कैनर के थ्रू आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ये जितने भी स्टॉक्स है 1% के ऊपर जा रहे हैं, ओके मैं यहाँ पर 2% कर देता हूँ और अभी सिंपली अप्लाई करता हूँ। यहाँ दिखा रहा है MNM जो आगे ओपन हुआ है आज। ओके इसके अलावा एक्सिस बैंक, ठीक है यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा कि क्यों ये स्टॉक्स जा रहे हैं ऊपर। ओके इसके अलावा हम लोग यहाँ से फिर से वही वॉचलिस्ट अपने यहाँ पर एड कर सकते हैं, जिस भी स्क्रिप्ट जो भी स्क्रिप्ट के बारे में आपको चाहिए। यहाँ पर सारे सेक्टर वाइज स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारी लिस्ट अवेलेबल है, तो आप जैसा भी चाहें वो आज अगर आप निफ्टी 500 पे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो निफ्टी 500 के अंदर जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर सिंपली दिखाएगा आपको। फिर से वर्क स्पेस में जाता हूँ मैं और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं स्टैंडर्ड विद स्कैनर, हम लोगों ने देखा है अभी। मार्केट ओवरव्यू में हम लोग क्लिक करते हैं तो देखते हैं कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स सारे अवेलेबल हैं, उसके रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ है, पीवी पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, सपोर्ट अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से अपना स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई करता हूँ डेली ट्रेड्स के लिए, तो कंटिन्यू आप इसको वीडियो को वॉच कीजिए और देखते हैं हम लोग आगे और कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से वर्क स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे। मल्टी वॉच, ओके मैं मल्टी वॉच पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखते हैं हम लोग। ओके यहाँ आपको अलग अलग, अगर देखिए अगर मुझे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स अवेल ऐड करना है, मुझे मान लीजिए इसके अंदर मुझे ऐड करना है, व्यू में जाता हूँ और मुझे चाहिए अंडरलाइन FNO अंडरलाइन वाले स्टॉक्स मुझे अगर यहाँ पर ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से व्यू में जाके सिंपली वॉचलिस्ट में जाके सिंपली NSE में जाता हूँ। ओके यहाँ मुझे मिलता है अदर ग्रुप्स में, ओके यहाँ मुझे अंडरलाइन FNO स्क्रिप्ट्स मिल जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्यूचर ही ऐड करना है मुझे, तो नियर वाले फ्यूचर वाले जितने भी स्टॉक्स हैं मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये इस वॉचलिस्ट के अंदर मेरे को सारे जितने भी FNO वाले स्टॉक्स हैं, ओके उनका फ्यूचर्स जो है वो यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं, और यहाँ पर मुझे क्लिक करना है कैश वाले स्क्रिप्ट्स, तो मैं सिंपली फिर से वॉचलिस्ट में जाके अदर ग्रुप्स में जाके अंडरलाइन FO स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए ओनली NSE की निफ्टी 50 स्टॉक्स चाहिए मुझे तो निफ्टी 50 पे क्लिक करके कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स। ओके उसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा, यहाँ क्लिक करना होगा पहले, देन उसके बाद आपको अपने जो स्टॉक्स हैं वो ऐड करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अंडरलाइन 50, ओके यहाँ पर मेरी
ओके, नियर 50 वाले स्टॉक्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एड हो चुके हैं, और यहाँ पर मेरे पास में वॉचलिस्ट के अंदर निफ्टी 50 एड हो चुके हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्यूचर्स के स्टॉक्स पे, तो मान लो मेरे को यहाँ चेक करना है कौन से टॉप बाय साइड वाले स्टॉक्स है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ परसेंटेज के ऊपर, तो यहाँ पे टॉप लूजर्स दिखा रहा है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टॉप बायर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो टॉप बायर्स में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं हम लोग देखते हैं कॉल इंडिया आज काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैं कॉल इंडिया आपको देखता हूँ कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर टेक महिंद्रा, ओके टेक महिंद्रा हम लोगों ने बाय दिया था अभी कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले हम लोगों ने बाय दिया था काफ़ी लो से, अभी काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं। तो इसका आज हम लोग इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो देख करते हैं 754, और फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था 747। तो अभी स्टॉक जो है 754 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स अभी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं आगे भी। ओके, इसके अलावा वर्क स्पेस में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? एडवांस चार्ट वर्क स्पेस, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका वर्क स्पेस ओपन होगा, इंटरफेस इस टाइप से दिखाई देगा। अगर मैं किसी भी स्टॉक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर चार्ट मुझे दिखाई देगा। ओके, इस टाइप से कुछ चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके, सेम स्क्रीन पे आपको स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं, सेम स्क्रीन पे आप चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? मल्टी चार्ट्स, मल्टी चार्ट्स पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अगर इस वाले स्क्रीन के अंदर मुझे चाहिए भारतीय एयरटेल का चार्ट, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। सिंपली मुझे क्लिक करके ड्रैग करना होगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नहीं ले रहा है। आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करना होगा, यहाँ से स्टॉक अपने पिक कर लीजिए एंड ड्रैग कर लीजिए उसे। अगर मुझे भारतीय एयरटेल का चाहिए तो भारतीय एयरटेल को मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिया। ओके, ये किस तरीके से मेरी आप यूज़ कर सकते हो उसे। मान लो अगर मुझे सेम स्क्रीन पे मुझे 5 मिनट का चार्ट भी देखना है और मुझे सेम स्टॉक का 15 मिनट का चार्ट भी देखना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 15 मिनट का चार्ट पे, मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे 15 मिनट का चार्ट भी दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे 5 मिनट का चार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ों को। इसके अलावा हम लोग मल्टी चार्ट 4, अभी हम लोग मल्टी चार्ट 2 यूज़ कर रहे थे, अभी हम लोग 4 यहाँ हम लोग देख लेते हैं। कुछ अगर मान लो मुझे इसके किसी स्टॉक का 4 टाइप के मुझे चार्ट पैटर्न देखने हैं तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एक्सिस बैंक पे, ठीक है, यहाँ मुझे एक्सिस बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस पीओट पॉइंट्स भी दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे जैसे यहाँ से एक्सिस बैंक पे मुझे क्लिक एंड ड्रैग करना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे 5 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। अगेन क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ मुझे 15 मिनट का चार्ट देखना है, 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। फिर से क्लिक एंड ड्रैग, मुझे चाहिए 60 मिनट का चार्ट, 60 मिनट का चार्ट ओपन हो गया आपका। क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ मुझे चाहिए डेली कैंडल्स। ओके, जैसे मैं डेली कैंडल पर क्लिक करूँगा डेली कैंडल्स भी ओपन हो जाएगी। तो काफ़ी ही बहुत इजी है, सिंपल आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। सेम अगर आपको अलग अलग चार्ट ओपन करना है, मान लो मुझे बजाज ऑटो का चार्ट ओपन करना है, बजाज ऑटो का मुझे 15 मिनट का चार्ट देखना है, यहाँ पे भी देख सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप स्टडी भी अगर यहाँ पर कुछ अगर अपने टूल्स भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ओके, स्टडी में जाके आप अगर कुछ भी आपको ऐड करना है, मान लीजिए ट्राई करते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है हमें, यहाँ फिलहाल कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, हम लोग ये चीज़ किसी और चीज़ पे देखते हैं, हम नॉर्मल चार्ट पे ओपन करके देखेंगे स्टडीज़ के बारे में। ओके, यहाँ पे मुझे एक्सिस बैंक का मुझे मैं देख सकता हूँ बजाज ऑटो ब्रिटानिया, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग। ओके, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें। थोड़ा सा हम लोग हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। ओके, मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट, हम लोग यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर मुझे बजाज फाइनेंस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर से सेम चीज़,
ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, इस टाइमिंग के बीच में कितना क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, कितना लास्ट इसका ट्रेडेड प्राइस क्या रहा है इस टाइम के बीच में। ओके, यहाँ मुझे अलग अलग टाइम फ्रेम मुझे मिल रहे हैं, अलग अलग मुझे बार्स मिल रहे हैं, अलग अलग कैंडल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से मैं सिंपली चेंज कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट ले लिया, सिंपल मैं क्लिक करूँगा, फिर से लाइन चार्ट आया। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, टाइम फ्रेम भी अगर आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर से वर्क स्पेस में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर मुझे मिलता है मल्टी टाइम फ्रेम, उन्होंने यूज़ कर लिया अपॉर्चुनिटी फाइंडर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, अपॉर्चुनिटी फाइंडर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में अच्छे से इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टूल है, तो किसी और वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंपली आप यहाँ से अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत ईजी है, हम लोग यहाँ पे जैसे हमें डेटा फिट करना है तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके अलावा अपना वर्क स्पेस आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सारे के सारे अवेलेबल हैं, जो जो आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, मुझे मान लो मुझे ये ऐड करना है, मुझे जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करूँगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारे जितने भी वर्क स्पेस है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग अभी फिर बात करते हैं, ये हमारा वर्क स्पेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कस्टम है, यहाँ पर स्प्लिट वर्क स्पेस, वर्क स्पेस है, तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपना जो यूज़ करना चाहो वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। फिलहाल जो मैं यूज़ करता हूँ, मोस्टली मैं जो मैं यूज़ करता हूँ स्मार्ट में यूज़ करता हूँ, यहाँ मुझे रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाते हैं मुझे, ठीक है, किसी भी स्टॉक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स मुझे यहाँ पर अवेलेबल है सारे स्टॉक्स के बारे में, तो मैं फिलहाल ये यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ वर्क स्पेस के अंदर स्टैंडर्ड विद चार्ट और स्टैंडर्ड विद स्कैनर। ओके, स्टैंडर्ड विद स्कैनर में कैसे यूज़ करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मुझे मान लो किसी स्टॉक का चार्ट ओपन करना है तो मैं यहाँ से चार्ट ओपन कर लेता हूँ, और मुझे किसी स्टॉक का चार्ट ओपन के बजाय मुझे अगर यहाँ पे स्कैनर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर अलग अलग इक्विटी अवेलेबल है, स्टॉक फ्यूचर अवेलेबल है, करेंसी अवेलेबल है, कमोडिटीज अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। ओके, टूल्स में हम लोग देखते हैं टूल्स कैसे कैसे हैं। यहाँ पर हीट मैप अवेलेबल है, आप हीट मैप पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सेक्टर वाइज आपको हीट मैप के अंदर बता देगा किस तरीके से, जैसे बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो आज डाउन है तो यहाँ दिखा रहा है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे बैंक्स पे तो कौन कौन से स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, कौन कौन से स्टॉक्स गिरे हुए हैं वो भी यहाँ दिखाएगा। एस बी आई में काफ़ी अच्छा मूव आया है। ठीक है, हम लोगों ने रिकमेंड किया था एस बी आई अभी कुछ दिनों पहले 348 के आसपास, इसने आज हाई बनाया कुछ 359 के आसपास, और अभी फिर से गिरा है। हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया था यहाँ पे 358 के आसपास कि जैसे ये स्टॉक यहाँ आसपास आता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, हम लोगों ने एक दो दो दिन पहले यहाँ पे बाय दिया था। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने कुछ बाय दिया था और अभी स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव आया है, और आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग स्टॉक कैसे पिक करते हैं। ओके, हीट मैप के अंदर आपको सारे सेक्टर वाइज मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप NSE BSE चूज़ कर सकते हो। फिलहाल आप NSE के अंदर ही चूज़ करो, क्योंकि ये जो डार्ट स्टॉक है यहाँ पर ओनली NSE का डाटा फीड होता है, यहाँ पे तो ओनली NSE ही अवेलेबल है। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मान लो मुझे मिड कैप में के स्टॉक्स में से मुझे कोई स्टॉक चूज़ करना है, मैं सिंपली मिड कैप पर क्लिक करूँगा और यहाँ मुझे मिड कैप के अंदर जितने भी अंडरलाइन स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल मुझे मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा टूल्स में और कौन कौन से टूल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, जैसे अगर मार्केट डायनामिक पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूरा मार्केट का डायनामिक शो हो जाएगा, ये देखोगे आप यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे निफ्टी 50 के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ, इसलिए ये दिखा रहा है। मैं यहाँ पे यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, अलग अलग चेंजेस मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मान लो मुझे फिर से मैं अंडरलाइन, ओके, यहाँ से फिर से मैं अंडरलाइन FNO स्क्रिप्ट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जितने भी FNO के अंदर अंडरलाइन स्क्रिप्ट हैं वो यहाँ की सारी अवेलेबल है, और यहाँ पर दिखा रहा है आपको 82 स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 76 स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव अभी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। इसके अलावा टूल्स के अंदर मार्केट ब्रेथ अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ भी आपको मार्केट ब्रेथ दिखा देगा, कितने स्टॉक्स अभी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
मार्केट ब्रीथ, मार्केट मीटर, मार्केट मीटर पे मैं क्लिक करता हूँ। मार्केट मीटर के अंदर आपको जितने भी स्टॉक्स हैं और किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो ज़्यादा ग्रीन है मतलब जो डार्क ग्रीन है वो स्टॉक ऑब्वियसली ज़्यादा ऊपर है आज आज के दिन में। तो एशियन पेंट जो है वो कुछ 3.45% ऊपर है। इसके अलावा जो स्टॉक रेड में जा रहे हैं तो वो जो डार्क रेड है वो ज़्यादा गिरा हुआ है, जो थोड़ा सा लाइट है वो थोड़ा कम गिरा हुआ है। सेम ऐसे ही जो थोड़ा लाइट ग्रीन है वो थोड़ा कम बढ़ा हुआ है। ठीक है, टूल्स में हमारे पास में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास में इंडेक्स मीटर है, लाइव स्कैनर है, जो हम लोग ऑलरेडी स्कैनर यहाँ यूज़ करते हो वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर आप चाहो तो अंडरलाइन FNO स्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जस्ट आपको क्लिक करना है अपने कोडिंग जो जो आपको चाहिए, 52 वीक्स वाले चाहिए, ये सब 2 वीक्स हाई को जो क्रॉस कर रहा है या लो को जो क्रॉस कर रहा है वो यहाँ पर जस्ट आप टिक लगा के अपना अपने कोडिंग टिक लगा लीजिए और जस्ट अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ दिखाएगा आपको जो नया हाई बना रहा है। ठीक है, जो 2 वीक्स न्यू हाई बना रहा है वो भी सारे स्टॉक्स यहाँ पर आप सिंपली यहाँ से आप स्कैन कर सकती हो। इसके अलावा लाइव स्कैनर हम लोगों ने यूज़ किया, ट्रेंड स्कैनर ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ आप ट्रेंड स्कैनर के अंदर, मैंने अभी फ़िलहाल निफ्टी 500 यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। निफ्टी 500 के बाद में मैं यहाँ पर टिक लगाता हूँ ओपन गैप अप। ठीक है, मुझे यहाँ चाहिए जो भी स्टॉक 1.5% से ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ है वो सारे स्टॉक स्कैन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो क्लोज कर रहा होना चाहिए 3% अबव प्रीवियस डे। ठीक है, तो यहाँ से मैं जस्ट यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और अप्लाई करना है मुझे। ठीक है, इसके अलावा क्रॉसिंग अबव प्रीवियस डे हाई, ठीक है, जस्ट मुझे यहाँ पे भी क्लिक करना है और मैं अपना अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2% कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे अप्लाई। ओके, अभी जितने भी स्टॉक्स हैं ठीक है वो सारे यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, मारी को जो है वो क्रॉसिंग 3.8% अबाउ 14 डेज मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर सिंपली आपको ये चीज मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग टूल्स में जाते हैं फिर से, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सिंबल वॉच, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे स्टॉक्स के बारे में यहाँ मिल जाएगा सिंबल ब्रिज टू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। यहाँ पे वो स्टॉक्स सारे मिलेंगे आपके जो स्टॉक्स रेजिस्टेंस लेवल या तो जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है या फिर जो अपने सपोर्ट के आसपास है, तो वो यहाँ से सिंपली आप चेक कर सकते हो। ये निफ्टी 50 हम लोगों ने किया हुआ है, जस्ट मैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लो मुझे PSU बैंक के बारे में देखना है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और PSU बैंक गो कर दी, ओनली जो भी PSU बैंक जो हैं ठीक है वो यहाँ पर स्कैन हो जाएंगे सारे के सारे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो और आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो किसी चीज़ में दिक्कत अगर आपको होती है तो। इसके अलावा हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ हम लोग चेक करते हैं ओपन हाई एंड लो। ओके, बहुत से लोग इस तरीके से भी काम करते हैं, जो स्टॉक ओपन वर्सेस हाई है ठीक है और लो है वो यहाँ पर इस तरीके से आप जस्ट क्लिक करना है आपको। तो जितने भी निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं अभी अगर आप देखोगे एशियन पेंट जो है इसका ओपन और इसका लो जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ओपन इक्वल लो। ठीक है, इसके अलावा IOC के अंदर भी ओपन एंड इक्वल ओपन एंड जो लो है वो इक्वल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पर और कुछ स्टॉक्स जो है वो एड कर देता हूँ, सिंपली मैं निफ्टी के FNO स्टॉक्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कैडिला का अगर आप देखोगे जो उसका जो लो है और जो उसका हाई है वो सेम है, तो यहाँ पे दिखाएगा आपको इसका ओपन इक्वल टू हाई। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से इस टाइप से भी स्टॉक्स जो है वो पिक कर सकती हो। NCC आज काफ़ी गिरा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। इसके अलावा टूल्स में और हमें अपॉर्चुनिटी फाइंडर मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी फाइंडर के बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बात किया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे फिर से। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी फाइंडर को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, इसको किसी और वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। टॉप गेनर एंड टॉप लूजर,
ठीक है, यहाँ से हम जस्ट क्लिक करूँगा मैं टॉप गेनर और टॉप लूजर के, मुझे स्टॉक्स दिखाएंगे दिखाई देंगे सारे के सारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसको भी अपने हिसाब से आप स्कैन कर सकती हो, टॉप गेनर एंड लूजर बाय चेंज, टॉप गेनर टॉप टॉप ट्रेड टॉप ट्रेडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे आपको क्लिक करना है और जो भी वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा ट्रेडेड हैं स्टॉक्स वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट मिल जाती है, टॉप गेनर लूजर आपको मिल रहा है, ओपन हाई, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब आप जो सॉफ्टवेयर के लिए आप लाखों रुपए पे कर रहे हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा व्यूज़ में जाके मैं यहाँ पर टिकर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे टिकर मिल जाता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिंपली अगर मैं टिकर के अंदर मुझे स्टॉप करना है, स्क्रॉल स्पीड फास्ट करनी है, नॉर्मल करनी है, ठीक है, चेंज डायनामिक मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ जिसमें यहाँ पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे ओके करना है मुझे, बैकग्राउंड का मेरा कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मुझे और क्या चीज़ें अवेलेबल है, चेंज डायनामिक में मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो अगर आप देखोगे तो अभी डायनामिक से चेंज हो गया, पहले ये जो है लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहा था, अभी राइट हैंड की तरफ चल रहा है। तो ये सिंपल चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, बैकग्राउंड में कलर फिर से जो नॉर्मल कलर था इसका, फिर से मैं वही कलर इसको कर देता हूँ, ओके, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ओके, ये कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा चेंज फॉन्ट कर सकती हो आप, रिसेट फॉन्ट कर सकती हो, सिंबल्स, अभी यहाँ पे सिंबल्स में मुझे कौन कौन से स्टॉक्स मुझे देखने हैं, मान लो इंडेक्स के अंदर मुझे देखना है पीएसयू बैंक्स मुझे देखने हैं ओनली, तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक्स में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर टिकर के अंदर आपके ऐड हो जाएंगे और वो अपने हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा आपको कि कौन सा किस स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है। टिकर पे भी डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ से भी आप स्टॉक के बारे में और भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ आपको स्टॉक का पूरा दिखाएगा, तो आज का हाई लो, ठीक है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ठीक है, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ठीक है, इसके अलावा इसका मूविंग एवरेज दिखाएगा आपको, क्या मूविंग 50 डे मूविंग एवरेज एवरेज क्या है, 14 डेज मूविंग एवरेज क्या है, 100 डेज मूविंग एवरेज क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज क्या है, वन मंथ एवरेज वॉल्यूम कितना था इसका, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप समझना चाहेंगे किसी स्टॉक के बारे में, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें स्टॉक सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टिकर, हम लोगों ने देखा टिकर पे, फिलहाल मैं टिक हटा देता हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करता फिलहाल, तो मैं इस पर टिक हटाता हूँ, व्यू में जाता हूँ, फिर से मैं नेविगेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ मुझे दिखाएगा, ठीक है, टोटल आज दिन भर के अंदर कितना टर्नओवर हुआ है, मतलब एनएससी के अंदर टोटल कितने करोड़ का टर्नओवर हो चुका है आज के अंदर, आज के दिन भर के अंदर, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कुछ 14,333 करोड़ का टर्नओवर अभी तक का हो चुका है। ठीक है, फिलहाल इसके अलावा इसको बता देता हूँ, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, न्यूली अपडेटेड स्क्रिप्ट्स, फ्लैश, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, आप अलर्ट सेट कर सकते हो किसी भी स्टॉक के लिए, ठीक है, यहाँ पे सेट अलर्ट करना है आपको सिंपली, इसके अलावा सिंपली सेट अलर्ट करके मान लो मुझे किसी स्टॉक का देखना है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि इस प्राइस के ऊपर कोई स्टॉक जा रहा है जाने जाएगा तो आप इसके लिए अपना अलर्ट सेट कर सकते हो, जस्ट उसको सेव कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो सिंपल चीज़ है। व्यूज में और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी, बोर्ड मीटिंग्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, अनाउंसमेंट्स अगर कुछ हुआ है किसी स्टॉक के बारे में तो वो मिल जाएगा, जनरल मैसेजेस आपको यहाँ पे फ्लैश हो जाएंगे, सेक्टर वाइज अगर आपको देखना है सेक्टर मैप पे क्लिक करके आप सेक्टर वाइज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मेरे पास में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं देख लेता हूँ, मैं यहाँ पर मेरा अगर मुझे मान लो मुझे ये थीम अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कॉन्फिगर में जाके यहाँ पे थीम मैं डार्क कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे डार्क थीम, ये भी काफ़ी अच्छी थीम है लेकिन मैं नॉर्मली वाइट वाइट वाली थीम को ही यूज़ करता हूँ। आप चाहें अगर आपको लगता है कि ये थीम आपके लिए है तो आप जस्ट यहाँ पे फाइल पे जाके कॉन्फिगर के अंदर जाके आपको थीम जस्ट यहाँ पे डार्क और लाइट आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पोजिशंस के अंदर मुझे यहाँ मुझे नेट पोजिशन मुझे मिल जाएगी, F11 इसका शॉर्टकट है जो बाय डिफॉल्ट सभी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप F11 करके क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी पोजिशन जो है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा व्यू लिमिट्स,
यहाँ पे आप अपनी लिमिट चेक कर सकते हो कि कितनी लिमिट है, ठीक है। और व्यू होल्डिंग्स, आपकी जो भी होल्डिंग्स है वो यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ऑर्डर के अंदर आप यहाँ से बाय ऑर्डर टाइप यहाँ से प्लेस कर सकते हो, सेल ऑर्डर भी यहाँ से भी प्लेस कर सकती हो। कवर ऑर्डर यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आफ्टर मार्केट आवर आपको ऑर्डर अवेलेबल है, बास्केट ऑर्डर अवेलेबल है, ठीक है। ऑर्डर बुक, यहाँ से आप अपनी ऑर्डर बुक चेक कर सकती हो, F3 जो उसका सिंपल ही बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट होता है। ट्रेड बुक्स के अंदर आप देख सकते हो कौन से स्टॉक्स पे आपने बुक किया है, या जो भी अपने लोगों ने जो भी एक्टिविटी हुई आपकी, वो यहाँ से चेक कर सकते हो। F8 इसका शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकती हो, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ओके, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि स्टॉक को बाय सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बाय सेल करने के लिए आप सिंपली किसी भी स्टॉक पे क्लिक करके प्लस और माइनस यूज़ कर सकते हैं। प्लस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर स्टॉक में मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। माइनस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं सिंपली सेल कर सकता हूँ। या फिर आप इसके अलावा स्टॉक को अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, सिंपली राइट क्लिक बाय, ठीक है। अगर मान लो मुझे बाय नहीं करना है, मुझे सेल करना है, तो मुझे सेल पे क्लिक करके भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इक्विटी में मैं जाता हूँ। ओके, मुझे इक्विटी में कितना क्वांटिटी बाई करना है, मान लीजिए मुझे 10 क्वांटिटी बाई करना है या मुझे 100 क्वांटिटी बाई करना है, ठीक है। सिंपली मुझे प्राइस कितने, किस प्राइस पे मुझे बाई करना है, मुझे बाई करना है 1688 रुपीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है मेरे पास में MIS NRML, ठीक है। इंट्राडे के लिए अगर मुझे बाई करना है तो मैं MIS में बाई करूँगा, और अगर मुझे कैश इन कैरी करना है तो मैं CNC करूँगा, मतलब मुझे आज खरीद के कल बेचना है तो मैं CNC करूँगा यहाँ पे। और अगर सेम स्टॉक अगर मुझे FNO के अंदर बाई करना होगा तो मैं NRML करूँगा कैरी फॉरवर्ड के लिए, और इंट्राडे के लिए बाई करूँगा तो मैं MIS करूँगा, ठीक है। इसके अलावा प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ वेब लिंक्स मिल जाते हैं, माई प्रोफाइल्स मुझे मिल जाएगा, कुछ मैसेजेस जो हैं वो मिल जाएंगे, प्रेफरेंस मुझे कुछ जो भी है वो चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अगर मुझे चेंजेस करना है तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। वॉच लिस्ट हम लोगों ने, ओके, वॉच लिस्ट के अंदर हम लोगों ने बताया था कि यहाँ से सारे इंडेक्स के स्टॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सेक्टर वाइज अगर आपको देखना है तो ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स मुझे देखने हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑयल एंड गैस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे यहाँ पे ऐड हो गए। तो सिंपल है, यहाँ पर बहुत ईजी है, आप यहाँ से चूज़ कर सकती हो। फिलहाल गेल को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि गेल हम लोगों ने अभी लास्ट रिकमेंड किया है। ओके, 363 का इसका हाई बना लिया है इसने ऑलरेडी, और हम लोगों ने क्लियरली बताया हुआ है कि गेल में जो है वो चैनल ब्रेकआउट आया है अभी 366 के ऊपर। जब भी ये क्लोज होगा कुछ दिनों के अंदर आपको लगेगा, आपको दिखेगा ये 400 के पास में जाते हुए, ठीक है। तो आप इस पर एक सिंपल, मैं आपको एक एडवाइस भी दे देता हूँ, तो आप इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मुझे वॉचलिस्ट के अंदर BSE में अभी फिलहाल इसमें ट्रेड नहीं होता, तो BSE को आप छोड़ दीजिएगा। MCX में भी अवेलेबल नहीं है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओनली NSE स्टॉक्स के लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। व्यूज़ में आप जाओगे फिर से वही सारी चीज़ें हैं, जनरल मैसेजेस वगैरह सारी चीज़ें। तो सिंपली सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, आप अगर आप देखोगे, आप अगर आपको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको सिंपली बोलूँगा, जिन लोगों का अकाउंट नहीं है अपस्टॉक के अंदर वो सिंपली यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा लें, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रेड कहीं पे भी करें, आप अकाउंट ओपन करवा लें और आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड आप अपना जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पर ट्रेड कीजिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो सिंपली कुछ फंड अपना डाल दीजिए, और अगर आपको ट्रेड करना है यहाँ पर आपको लगता है जो, आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ट्रेड आपका जो पुराना ब्रोकर है वहीं करना है, तो आप वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है, ख़त्म करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको पूछना है सॉफ्टवेयर के बारे में, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि वी आर एसोसिएट ऑलरेडी इन विद अपस्टॉक्स। सो आप उस लिंक के थ्रू भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे भी ऐड कर लेंगे, तो जो भी हम लोग ट्रीट्स लेते हैं वहाँ पर आपको अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर
बहुत सी चीज़ें हैं अभी अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग कभी आगे किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बताएगी किस तरीके से उसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।